वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे, लेबनन ने अर्ज किया है इंडिया से कि वो नेतन्याहू को जाकर स्टॉप करे। मतलब इंडिया का लेबनन पार्टिसिपेशन चाहता है आगे जाके इसराइल को कंट्रोल करने के लिए। प्रेजेंटली हम लोग को पता है कि लेबनन और इसराइल के बीच में जो हालात है ये काफ़ी ख़राब है, और मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट अभी हम लोग को देखने मिल रहा है वो मेनली इसराइल के आसपास ही होता जा रहा है। तो जो भी हो, अगर आप ये चैनल में पुराने हैं तो आपने मेरा एक पुराना वीडियो देखा होगा। बस कुछ ही दिन पहले ही मैंने बनाया था एक वीडियो जिसमें मैंने कहा था कि ईरान जो है वो चाहता है कि इंडिया जाए बीच में इसराइल और ईरान के, और ये जो प्रॉब्लम चल रहा है इसराइल और ईरान के बीच में, इसमें मीडिएटर बने इंडिया। तो अगर देखा जाए ये दोनों जो फैक्टर है, दोनों फैक्टर में एक चीज़ कॉमन है, वो है इंडिया। कि जब भी कुछ होता है तो हर कोई चाहता है कि भाई इंडिया आके बीच में बोले और इंडिया जो प्रॉब्लम है उसमें रिजॉल्व करे। तो एग्जैक्टली इंडिया क्यों? दुनिया में इतना सारा सुपर पावर्स है, इतना सारा कंट्रीज है, इतना सारा लीडर्स है, मगर हर कोई क्यों चाहता है कि भाई इंडिया आए, इंडिया के पीएम वहाँ जाके दोनों कंट्री के साथ बात करे और कोई एक सोल्यूशन निकाले। तो ये जो आंसर है ये मैं आपको आगे जाके वीडियो में देता हूँ। उससे पहले हम लोग कंसनट्रेट करते हैं लेबनन पे। प्रेजेंटली हम लोग को पता है कि इसराइल अपना जो हमास के साथ वार चल रहा था, वो जो अभी भी जारी है गाज़ा में, वो लगभग ख़त्म होने को चला है, क्योंकि हमास के जितना भी टॉप कमांडिंग लीडर्स थे उन लोगों को एक एक करके इसराइल ने अपने तरफ से ख़त्म कर दिया है। या फिर गाज़ा में भी जो लोग बचे थे वहाँ अगर देखा जाए तो बहुत ही हमास के जो लीडर्स थे वो लोग कम्प्लीटली इनएक्टिव हो गए, वो लोग अपने तरफ से कुछ इसराइल के अगेंस्ट में कुछ स्टेप नहीं ले पा रहे। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए गाज़ा में ऑलरेडी लगभग 40,000 से 50,000 जो सिटीजन्स है, गाज़ा के जो सिटीजन्स हैं उन लोग का डेथ हुआ है इसी वार के वजह से। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें दुनिया में कहीं भी अगर हमास के कोई भी लीडर अभी है, उन लोग के अंदर में एक डर घुस गया है कि भाई कभी भी इसराइल हम लोगों के ऊपर अटैक कर सकता है, और इसके वजह से ही अभी प्रेजेंट जो न्यूज़ आ रहा है उसमें हमास का कोई भी एक्टिविटी हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। तो इसराइल जो है वो हमास से अपना जो टारगेट है अभी थोड़ा सा मोटिवेट करके ऑलरेडी ये बहुत पहले ही उन लोगों ने अपना हिजबुल्ला के ऊपर शिफ्ट कर लिया है। अब हिजबुल्ला के ऊपर इसराइल ने लास्ट अगर 2 महीने से देखे डिफरेंट टाइम में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शंस लिए, जैसे कि उन लोगों के जो लीडर्स थे उन लोगों को बेरूत पे अटैक किया गया, जो रॉकेट स्ट्राइक हुआ। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें पेजर अटैक, वाकी टॉकी अटैक, सोलर पैनल फट जाना, तो ऐसे बहुत सारा अटैक इसराइल अब ऑलरेडी हिजबुल्ला के ऊपर कर चुका है। हिजबुल्ला भी अपने तरफ से थोड़ा बहुत आंसर किया है, ऐसा नहीं कि हिजबुल्ला चुप बैठा था, मगर प्रेजेंट जो कंडीशन है उसमें ये बात तो सबको पता चल गया है कि हिजबुल्ला का जो टॉप कमांडिंग लीडर्स थे या फिर जो पिरामिड के ऊपर का पार्ट था वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, और इसके वजह से ही हिजबुल्ला इसराइल के अगेंस्ट में भी खड़ा नहीं हो पा रहा है उस लेवल से। ऑन द अदर साइड ये जो हिजबुल्ला है, इन लोगों का प्रेजेंट जो लोकेशन है ये है बेरूत पे। अगर हम लोग इसराइल का मैप देखें तो हम लोग को एक चीज़ पता चलता है कि इसराइल का जो नॉर्थ साइड है और लेबनन का जो साउथ साइड है उसी एरिया में ज़्यादातर वार होता है। मतलब लेबनन का जो साउथ पार्ट है उसको हिजबुल्ला ने अपने तरफ से कब्जा करके रखा है, और हिजबुल्ला वहीं से आके इसराइल के जो सिटीजन है जो इसराइल के नॉर्थ साइड में रहते थे उन लोगों के ऊपर अटैक करते थे। तो इसके वजह से इसराइल ने अभी कम्प्लीटली लेबनन के जो साउदर्न पार्ट है उसमें मिलिट्री फोर्स अपना डिप्लॉय कर दिया है। वो लोग अपनी तरफ से एक एक करके हिजबुल्ला के जो मिलिटेंट्स हैं उन लोगों को मारते जा रहे हैं। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए हिजबुल्ला के जो टॉप कमांडिंग कुछ जो लीडर्स अभी भी बचा है वो लोग जाके छुपे हैं बेरूत पे, मतलब लेबनन के कैपिटल। तो आज के डेट में अगर हम लोग देखें बेरूत एक ऐसा सिटी है जहाँ लेबनन का कैपिटल है। ऑन द अदर साइड यही लेबनन के कैपिटल में बहुत सारे जो सिटीजन्स हैं लेबनन के वो लोग भी रहते हैं, तो जिसके वजह से अगर वहाँ कोई अटैक किया जाता है तो नो डाउट ये अटैक जो है ये लोकल जो सिटीजन है उन लोगों के ऊपर भी ये अटैक होगा, उन लोगों का भी जान जा सकता है, या फिर ऑलरेडी उन लोगों का जान गया है जब ये एयर स्ट्राइक किया गया था। तो इसको लेके जब इसराइल से पूछा गया तो इसराइल ने अपने तरफ से क्लीन एंड क्लियर बोल दिया कि भाई हम लोग का जो वार है ये कभी भी हम लोग का लेबनन के अगेंस्ट में नहीं था, हम लोग लेबनन के साथ हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं, उन लोगों के अगेंस्ट में हम लोग का कोई भी वार नहीं है। ऑन द अदर साइड ये जो वार है ये कम्प्लीटली जो वार है ये है हिजबुल्ला के अगेंस्ट में। अगर हिजबुल्ला कहीं जाके छुपता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग हिजबुल्ला के जो भी मिलिटेंट्स हैं उन लोग को टारगेट करेंगे, बीच में अगर कोई नॉर्मल सिटीजन्स आ जाता है कोई भी कंट्री का एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है कि उनका भी जान जाए, इसके लिए इसराइल जिम्मेदार नहीं है। मतलब इसराइल ने अपने तरफ से कम्प्लीटली ठान लिया है कि भाई हम लोग जो है हम लोग इसराइल के अगेंस्ट में जो भी खड़ा होगा प्रेजेंटली जो हिजबुल्ला है उन लोग को ख़त्म करेंगे, और इसके वजह से ही इसराइल एक एक करके स्टेप लेते जा रहा है। जिसमें अगर देखा जाए ईरान में जब अटैक हुआ, ऑन द अदर साइड गाज़ा में जो हुआ ये बहुत पहले से ही चल रहा है, इसके अलावा भी अभी अगर देखें तो लेबनान के डिफरेंट लोकेशन में स्पेशली जो बेरूत है उसको इसराइल टारगेट कर रहा है, और हो सकता है कि आगे जाके
ये जो हिजबुल्ला का मिलिटेंट्स है, ये लोग एग्जैक्टली क्या करते हैं, ये लोग एक साथ नहीं रहते, क्योंकि इन लोगों को पता है कि अगर ये लोग एक साथ रहेगा तो कभी भी इसराइल अटैक कर सकता है। इसके वजह से ये जो मिलिटेंट्स है, ये जो नॉर्मल सिटीजन्स है, उन लोगों के बीच में छुपे रहते हैं, और इसके वजह से इसराइल को इन लोगों को टारगेट करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि नॉर्मल सिटीजन्स का कैजुअलिटी हो सकता है, और इसी को रेस किया जा रहा है दुनिया भर से इसराइल के अगेंस्ट में। मगर इसराइल जो है, उनका पूरा क्लीन एंड क्लियर बयान है कि भाई हम लोग का जो दुश्मन है उनको टारगेट करेंगे। ऑन द अदर साइड, अगर उन लोगों को टारगेट करने के वजह से बीच में अगर कोई आ जाता है, उनका डेथ हो जाता है, तो इसका रीज़न इसराइल नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले से ही बोल दिए कि हम लोग इस जगह में टारगेट कर सकते हैं जहाँ हिजबुल्ला रहेगा। अगर वहाँ कोई नॉर्मल सिटीजन्स आता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसराइल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कैजुअलिटीज़। तो जो भी हो, ये प्रेजेंट सिचुएशन है, और लेबनान को पता है कि आगे जाके इसराइल जो है वो बेरूत पे और भी ज़्यादा प्रोएक्टिवली अटैक करेगा, और हो सकता है कि बेरूत का हालत भी गाजा की तरह हो जाए। हम लोग को पता है कि गाजा में लगभग 40 से 50 हज़ार जो नॉर्मल सिटीजन है, उन लोग का डेथ होगी। आज के डेट में अगर हम लोग लेबनान को देखें, तो लेबनान का जो पॉपुलेशन है, ये काफ़ी ज़्यादा है कम्पेयर टू गाजा। तो अगर इसी हिसाब से अगर यहाँ भी डेथ हो जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ये लेबनान के लिए काफ़ी ख़राब है। ऑन द अदर साइड, इसराइल का कहना है कि भाई हम लोग लेबनान का दुश्मन नहीं है, बीच में लेबनान के जो सिटीजन है वो लोग बेकार में ये सब लफड़े में पड़ रहे हैं, और वो लोग का जान जा रहा है। तो इसके वजह से लेबनान ने अपने तरफ से अर्ज किया है इंडिया को कि हम लोग का जो ये प्रॉब्लम चल रहा है, हम लोग के कंट्री में ये सब जो हो रहा है, आप जल्दी से नेतन्याहू से बात कीजिए, और ये हम लोग को कुछ हेल्प कीजिए। अब ये क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले पूछा था कि इंडिया क्यों, प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें, नेतन्याहू ज़्यादातर जो दुनिया के लीडर्स हैं उन लोगों के साथ उतना बातचीत नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग देखें, हो सकता है कभी कभार यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उनके साथ बात होता है, उसमें भी एक लिमिटेशन है। कैसा लिमिटेशन है, मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। ऑन द अदर साइड, कुछ दिन पहले ही हम लोग को पता चला कि हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बेंजामिन नेतन्याहू का बात हुआ है, जिसमें उन लोगों का जो कन्वर्सेशन था वो काफ़ी लंबा था। उसके बाद हमारे पीएम के तरफ से एक बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म, टेररिज्म कहीं भी हो कैसे भी हो, उसको कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा, इसके अगेंस्ट में एक ही पॉलिसी है, वो है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। तो जो भी हो, आज के डेट में इंडिया और इसराइल के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन है। इसके अलावा ये, अगर हम लोग यूएस का, जैसे मैं बात कर रहा था, यूएस के साथ इसराइल का अगर रिलेशन देखें, तो नो डाउट यूएस जो है इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। मगर लास्ट कुछ वीक से अगर आप यूएस के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उनको फॉलो करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि यूएस हमेशा बोल रहे हैं कि हम लोग तो इसराइल को मना किए हैं कि भाई ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट है या फिर जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उसमें अटैक मत करो, जो ऑयल रिफाइनरीज है हो सकता है कि उसमें कभी भी इसराइल जाकर अटैक कर दे। तो एग्जैक्टली ये क्या शो करता है, यही शो करता है कि भाई इसराइल जो है वो यूएस के साथ अपना जो प्लान है वो अपना प्लान पूरा 100% शेयर नहीं करता, वो अपना प्लान जो सीक्रेट है वो कम्प्लीटली वो सीक्रेसी मेंटेन करता है। ऑन द अदर साइड, इसराइल कभी भी अटैक करने से पहले यूएस का परमिशन नहीं लेता, इसराइल अपने तरफ से जो उनको ठीक लगता है, बेंजामिन नेतन्याहू को जो ठीक लगता है, उस हिसाब से स्टेप लेते जा रहा है, और उस हिसाब से सारा अटैक जो है वो करते जा रहा है। तो ये बात पूरा क्लियर हो गया कि भाई यूएस का, अगर यूएस कुछ भी बोल देगा इसराइल मान लेगा, तो ऐसा भी सिचुएशन नहीं रहा आज के डेट में इसराइल और यूएस के बीच में। तो ये सुनने के बाद आप कह ही सकते हैं कि भाई और भी तो कंट्री है, जैसे कि अगर आप फ्रांस, चाइना, रशिया, ये सबको ले ले, एक एक कर कहते हैं। फ्रांस के तरफ से कुछ दिन पहले एक बयान आता, जिसमें फ्रांस ने कहा था कि भाई इसराइल को कोई भी कंट्री अपने तरफ से ये जो हथियार है ये मत भेजे। ऑन द अदर साइड, हम लोग जो है, मतलब फ्रांस जो है, वो भी अपने तरफ से जितना भी हथियार है वो नहीं भेजेगा वार के लिए। इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू का भी बयान आया था कि फ्रांस ने ये जो किया था ये ठीक नहीं किया था। ऑन द अदर साइड, फ्रांस का आज के डेट में भी अगर देखें सेम स्टैंड है कि दुनिया में जो अदर कंट्रीज जो अभी इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को सपोर्ट करना नहीं चाहिए। तो नो डाउट फ्रांस के साथ इसराइल का जो रिलेशन है उतना अच्छा नहीं रहा। इसके अलावा भी अगर हम लोग चाइना को देख ले, तो प्रेजेंटली एक रिपोर्ट आया था, एग्जैक्टली रिपोर्ट में कितना सच्चाई है ये पता नहीं है, जिस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि चाइना अपने तरफ से एक डिवाइस बना है, एक लेजर डिवाइस, जो डिवाइस चाइना ईरान में इंस्टॉल किया है ईरान के जो सुप्रीम लीडर्स है उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर कोई भी वहाँ बॉम्बिंग करना चाहता है या फिर कोई मिसाइल अटैक करना चाहता है, एयर अटैक करना चाहता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो डिवाइस है, ये जो ईरान के सुप्रीम लीडर्स है उन लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। तो नो डाउट इससे तो ये बात क्लीन एंड क्लियर हो गया कि चाइना जो है ये प्रो ईरान है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, रशिया जो है वो भी प्रो ईरान है, रशिया तो प्रो हिजबुल्ला भी है, क्योंकि रशिया का कहना है कि हिजबुल्ला का प्रेजेंटली जो संगठन है, जैसे कि इसराइल क्लेम कर रहा था कि भाई हम लोग उन लोगों का जो सुप्रीम लीडर्स है ज़्यादातर लीडर्स को हम लोग मार दिए, ऑन द अदर साइड रशिया बोला ऐसा कुछ नहीं है, हाँ कुछ का डेथ हुआ है, मगर हिजबुल्ला जो है ये कम्प्लीटली एक्टिव है, और आगे जाके हिजबुल्ला फिर से खड़ा होगा और फिर से इसराइल के अगेंस्ट में खड़ा होकर लड़ेगा। मतलब आज के डेट में अगर देखा जाए, रशिया जो है ये कम्प्लीटली एंटी इसराइल है, चाइना रशिया का दोस्त है, चाइना ईरान के साथ प्रो ईरान भी है, ऑन द अदर साइड एंटी इसराइल भी है,
इसके अलावा भी अगर देखा जाए, जैसे मैंने आपको कहा फ्रांस के साथ इसराइल का उस लेवल का दोस्ती बना नहीं, यूएस के साथ इसराइल आज के डेट में इतना कंप्लीट अपना जो प्लानिंग है या फिर जो भी है वो सब शेयर नहीं करता, ऑन द साइड यूएस के परमिशन भी नहीं लेता हर अटैक से पहले। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए इंडिया के साथ इसराइल का जो रिलेशन है ये काफ़ी पुराना है, आज नहीं अगर हम लोग कारगिल वॉर के टाइम से देखें उस टाइम यूएस हम लोग को सपोर्ट नहीं किया था, ऑन द अदर साइड इसराइल इंडिया को सपोर्ट किया था, जो पहाड़ के ऊपर जो टेररिस्ट था पाकिस्तान से जो आए थे वो लोग कहाँ कहाँ छुपे हैं वो जो कोऑर्डिनेट था वो इंडियन मिलिट्री के साथ इसराइल ने शेयर किया था, जिसके वजह से हम लोग कारगिल वॉर जो है वो हम लोग जीत गए। तो नो डाउट इंडिया के साथ इसराइल का एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी देखें जो डिफेंस आइटम इंडिया इंपोर्ट करता है इसराइल के साथ, इसके अलावा भी अगर देखें बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हमारे पीएम मोदी का बहुत ही अच्छा एक रिलेशन शेयर करता है, वो भी बहुत दिनों से। तो होपफुली आपको ये बात समझ में ही आ गया कि दुनिया के जो बाकी लीडर्स है किसी का बात भी आज के डेट में इसराइल नहीं मानेगा, अगर मान सकता है तो नो डाउट वो इंडिया के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी का। अब जो क्वेश्चन अराइज होता है क्या नरेंद्र मोदी जी इसराइल को रिक्वेस्ट करेगा, इसके पीछे एग्जैक्टली इंडिया का क्या प्रॉफिट है, क्योंकि हम लोग को पता है कि भाई जियो पॉलिटिक्स में कोई भी काम कुछ फ्री में नहीं अवेलेबल होता, अगर कोई कुछ करता है तो उसके लिए किस ना कुछ पे करना पड़ता है। तो नो डाउट अगर हम लोग देखें लेबनान के साथ इंडिया का कुछ ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं है या फिर कोई ख़राब भी रिलेशन नहीं है, लॉन्ग टाइम में अगर देखें कोई उतना ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या फिर कोई भी डिफेंस डील या फिर दूसरा कोई डील ऐसा कुछ लेबनान के साथ इंडिया का होता भी नहीं है, और लेबनान अपने तरफ से एक अलग ही मूव लेता है और इंडिया अपने तरफ से अलग ही चलता है। तो जो भी हो दोनों कंट्री में उतना कुछ अच्छा रिलेशन भी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि पास्ट में लेबनान कभी भी इंडिया के लिए स्टैंड लिया है या फिर इंडिया को हेल्प किया है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि अगर फ्यूचर में चांस मिलेगा तो हम लोग ऐसा मतलब ये जो दोस्ती है या फिर जो रिलेशन है लेबनान के साथ इंडिया का ये बहुत गहरा हो जाएगा, अचानक से आगे जाके लेबनान जो है वो इंडिया को सपोर्ट करने लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं। तो होपफुली ये जो अर्ज है लेबनान के द्वारा कि भाई इंडिया के पीएम को बात करना चाहिए नेतन्याहू को स्टॉप करने के लिए, इसमें आगे जाके इंडिया एंटरटेन नहीं करने वाला है, क्योंकि इंडिया का इसमें कुछ नेशनल इंटरेस्टेड कनेक्टेड नहीं है। आज के डेट में अगर देखा जाए इंडिया अपना जो पॉलिसी है बहुत क्लियर कर लिया है, जहाँ उनका नेशनल इंटरेस्ट है इंडिया ऑब्वियसली वहाँ जाएगा, जो करना होगा वो करेगा। इसके अलावा भी अगर कोई कंट्री में कोई मेजर कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे कि हम लोग देखे थे कोरोना के टाइम में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो वैक्सीन है वो इंडिया के तरफ से डिफरेंट कंट्रीज़ में सप्लाई किया गया था, मगर अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसमें इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा, इंडिया के जो इतना अच्छा रिलेशन है इसराइल के साथ इतना दिनों से वो इंडिया ख़राब करेगा लेबनान के लिए, या फिर लेबनान को होके आगे जाके इंडिया इसराइल को अप्रोच करे। तो नो डाउट ये सिचुएशन जो है ये सिचुएशन आगे और भी मोड़ लेगा, क्योंकि इसराइल जो है ये थमने वाला नहीं है, आगे जाके ये बेरूत पे भी अटैक करेगा, और डिफरेंट रिपोर्ट से ये भी पता चल रहा है कि बेरूत में जो रेसिडेंशियल इलाका है मतलब जो रेसिडेंशियल घर है उसके बहुत नीचे ये जो हिजबुल्ला है वो लोग अपने तरफ से जो टनल है वो बनाया है, और वहाँ जो लीडर्स है हिजबुल्ला का वो वहाँ अपने आप को छुपा के रखते हैं या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसके वजह से इसराइल जो है ये जो मिलिट्री अटैक जो है ये बेरूत पे करने वाला है, हो सकता है कि ये कभी भी हो सकता है। पहले जो इसराइल का जो मतलब कॉन्सेप्ट है कि पहले जो एयर अटैक होगा उसके बाद मिलिट्री अटैक, तो जैसे उन लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग गाजा में देखने को मिला, ये फिर से हम लोग को देखने मिल सकता है बेरूत पे या फिर लेबनान के अदर शहर पे भी। तो इसके वजह से ही लेबनान का ये अपील था इंडिया के लिए, और आगे जाके इंडियन गवर्नमेंट का इसमें क्या स्टैंड आता है, प्रेजेंटली इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से अभी तक इसको लेकर कुछ नहीं बोला, आगे इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलेगा जैसे ही कुछ रिपोर्ट आएगा आप लोगों के सामने मैं एक नया वीडियो बना दूंगा। होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANUSPOL को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोस आपको वहाँ मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, इससे आपका क्या टेस्ट है मतलब आपको क्या देखना अच्छा लगता है उनको पता चलता है, ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।